हाय फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस स्किल पे। आज हम लेकर आए हाजिर हैं केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड में काम आने वाले हैं। तो ये part-4 वीडियोज है और बाकी पार्ट्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए तो बाकी की पार्ट्स आपको दिखाई पड़ जाएंगी और आप उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है वो कांच है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अनमन अधिकतम होगा? तो जो हिमांक अनमन अधिकतम होगा वो है K2SO4, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, विलयन की मोलरता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 0.25, ए इज करेक्ट आंसर। द्रवित सोडियम क्लोराइड की विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है तो वह है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा? तो है 31.76 ग्राम तांबा। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, के बराबर ए स्क्वायर बी। तो इसका बोला जा रहा है कि अभिक्रिया का कोटि क्या है, तो पावर को जोड़ देते हैं, 2 और 1 पावर, तो 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वो है ऑप्शन नंबर डी, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला सोना। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो वो है HCl, जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? वो प्रतिचुंबकीय वाला आयन Zn2+ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? तो सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या है वो 4 है। 5% केन सुगर जिसका अनुभार 342 ग्राम आइसोटोनिक है, 1% घोल एक्स के साथ, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो 68.4 ग्राम। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो लायोफिलिक गोंद है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? वो आयरन है। निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन F2 के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है, 4। निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? वो है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो वो है NiCl4 का पावर 2-, ऑप्शन नंबर डी सही है। सामान्य सूत्र CnH2+2 वाले यौगिक कौन है? तो है एल्केन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम है, जो प्रथम पंक्ति का सदस्य नहीं है। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होता है, NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था इसका निकेल का कितना होता है? वो 4 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.5। एक बेंजीन रिंग है, इससे NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ X का वैल्यू बताना है कि हमें बेंजीन रिंग से NO2 का NO2 ही रहे और NH2 यहाँ पे मिल जाए, तो है SN या HCl, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, K4FeCN का हॉल 6 में AFE का प्रसंस्करण क्या है? प्रसंस्करण बताना है, तो वह है DSP2, ऑप्शन नंबर ए सही है। जल में सूर्य का प्रकाश और अगर उत्प्रेरक के काम करे तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? तो एक अपवाद है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, H2NCH2COOH, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जटिल यौगिक CO C2O4 का हॉल 2 NH3 का हॉल 2 के कितने संभव समावयव हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 सही हो जाएगा। अर्धशैल का अभिक्रिया दिया हुआ है जिसका स्टैंडर्ड यानी कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव का वैल्यू दिया है साइड में, जैसे Zn से बन रहा है Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है +0.76 और Fe का रिएक्शन दिया है Fe2++2 इलेक्ट्रॉन और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन विभव का वैल्यू दिया है 0.41। तो चूंकि इसका वैल्यू आप देख पा रहे होंगे तो ये निगेटिव हो जाता है -0.76 और यह है 0.41,
ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो -0.35 राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सांद H2SO4 में निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन दो ब्यूटेन देता है, तो है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन टू ऑल। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, तो इनमें से सभी यानी कि लैकलॉज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल और इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो इन चारों ऑप्शन में से बायोडिग्रेडेबल जो बहुलक है वो है सेलुलोज ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।